नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज और मैं साजिद इमाम न्याजी। साजिद इमाम न्याजी, इससे पहले आपको नगर पंचायत को एक वीडियो बनाकर दिखाया था। इस वक्त बस स्टैंड में स्ट्राइक का माहौल था, सारे ड्राइवर आप देख सकते हैं। नगर पंचायत को हड़ताल की तस्वीर के इस वक्त बाकायदे यहाँ से गाड़ी खुल रही है। यात्रियों की जो परेशानियाँ थी, परेशानियाँ दूर हो चुकी है। मैं दिखा रहा हूँ ये खबर, मजीद खबर दिखा रहा हूँ नगर पंचायत को हड़ताल से कि यहाँ से जो बस का स्ट्राइक था और ड्राइवर स्ट्राइक पे थे, नाराज कानून के खिलाफ इनकी नाराजगी थी और बिल के खिलाफ इनकी नाराजगी थी, लेकिन ये सारा सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और ड्राइवर फिर से अपने काम पर वापस आ गए। ये नगर पंचायत चौपाल की तस्वीर है। यहाँ पे कुछ बस के स्टाफ खड़े हुए हैं, ये दो बस लगी हुई है यहाँ पर और ये नगर पंचायत होता है। एक और बस है, तीसरा पीछे बस देख सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के जो ड्राइवर हैं, पहले उनसे, मैं स्टाफ लोग हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। ये भैया बस स्टाफ हैं, कौन गाड़ी चलाते हैं भैया? बोले नगर चलाते हैं। ये बताइए कि अभी गाड़ी स्टैंड में लगाए हुए सवारी को बैठा रहे हैं, क्या फैसला है, क्या कुछ है, नाराज है, क्या है? फैसला नहीं हुआ है, बोले हैं कि चलाइए अभी, हाँ चलेगा, उसके बाद हम फैसला देंगे। ये आश्वासन पर आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है, क्या आपको भरोसा है कि आप लोग का आवाज सुना जाएगा? ये देखिए ड्राइवर है, 3 दिन के बाद ये हमारे नगर पंचायत रोहतास में ये सेवा अपनी चालू कर दिए हैं। जी भैया, जो अभी फैसला आया था इसके बारे में, आप लोगों ने स्ट्राइक किया था, तो क्या इसके बारे में फैसला हुआ है? आप लोग काम पे आ गए हैं, खुशी से आए हैं ना? आप लोग खुशी से आए हैं ना? बात सरकार की मान ली है, क्या हुआ? सब कुछ चला रहा है तो हम अभी आए, हम तो अभी अरे थे, तो क्या पता है थे जैसा कि बताया जा रहा है कि सिर्फ आश्वासन दिया गया है। गाड़ी खड़ा होगा तो घर आदमी काम करेगा ना? हाँ, घर तो काम करेगा भाई। भाई हम घर काम कर रहे थे, तो आश्वासन पर आप लोग फिर इसी रास्ते पे आ गए। आप लोग गाड़ी अपने चलाना शुरू कर दिया है, तू खुद से आप पीछे देखे चलाते हुए, हो गया होगा, आप बताइए।